कारवां टीवी हर पल आपके साथ। सीएम योगी बोले, प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना मरीजों के उत्पीड़न पर सख्त एक्शन लें। मुरादाबाद में कोविड समीक्षा के बाद बरेली पहुंचे मुख्यमंत्री। कोविड नियंत्रण को लेकर मुरादाबाद और बरेली के हालात की समीक्षा को पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के उत्पीड़न के मामले सामने आने पर प्रशासन सख्त एक्शन ले। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को भांपते हुए कोविड अस्पतालों में तुरंत संसाधन बढ़ाए जाएं। अस्पतालों में बेड और आईसीयू की संख्या पर इस तरह से काम किया जाए ताकि कोई भी मरीज बगैर इलाज के वापस ना लौटे। मुरादाबाद के बरेली पहुंचे सीएम योगी ने सबसे पहले कलेक्ट्रेट में बने इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। करीब 10 मिनट निरीक्षण करने और अफसरों को कुछ जरूरी दिशा निर्देश देने के साथ ही सीएम योगी ने अफसरों और जनप्रतिनिधियों के साथ लंबी समीक्षा बैठक की। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार भी इस दौरान सीएम के साथ समीक्षा में मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश की अपनी एक बड़ी भूमिका है। उत्तर प्रदेश में जब कोरोना की प्रथम लहर आई थी तब भी एक बेहतर परिणाम दिया था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद प्रभावी ढंग से कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को लड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के बारे में जो आशंका थी कि उत्तर प्रदेश में गूंज रही है आवाज, इसको हटा दे। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो कोरोना पॉजिटिव के केस आए थे वह 24 अप्रैल को आए थे, वह 38,055 संख्या थी। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो कुल एक्टिव केस थे वह 30 अप्रैल को थे 3,10,000। पिछले 8 दिनों के अंदर यानी 1 मई से लेकर के 7 मई तक उत्तर प्रदेश में 65,000 एक्टिव केस कोरोना के कम हुए हैं। वर्तमान में 2,45,000 एक्टिव केस उत्तर प्रदेश में कोरोना के हैं और लगातार कोरोना के केसेज कम हो रहे हैं। प्रदेश के अंदर जिन क्षेत्रों में पॉजिटिविटी ज़्यादा थी मैंने वहीं से अपनी समीक्षा बैठकों की शुरुआत की है। यद्यपि मैं 4 दिन पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जनपदों से जुड़ा था, लेकिन मैंने उचित समझा कि फील्ड में उतर करके लोगों के मन में जो एक भय है इस भय को दूर करने, कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करने और वर्तमान परिस्थिति में जो रणनीति हमारी तय होनी है इसका केंद्र बिंदु जनपद को बनना है, जनपद के अंदर हम प्रभावी ढंग से इसको आगे बढ़ा सकें, इस दृष्टि से आज मैं मुरादाबाद मंडल और बरेली मंडल की समीक्षा बैठक के लिए आया हूँ। मैं इससे पहले मुरादाबाद मंडल में गया था। मुरादाबाद मंडल के बाद अब बरेली मंडल की समीक्षा बैठक के बाद बरेली मंडल में भी मैंने सबसे पहले यहाँ पर इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया है जहाँ से जनपद की सभी गतिविधियों का संचालन होता है। विगत एक सप्ताह के अंदर यहाँ पर इस मंडल में भी एक्टिव केस की संख्या 2800 कम हुई है और लगातार अभी इसमें कमी दिखाई देखने को मिल रही है।
एक आशंका व्यक्त की गई थी कि उत्तर प्रदेश में 5 मई तक 1,00,000 पॉजिटिव केस पर डे आएंगे। आज 8 मई है और आज जो कोविड पॉजिटिव केस उत्तर प्रदेश के अंदर आए हैं उनकी संख्या 26,000। यानी हम लोग अपनी रणनीति में और कोविड प्रबंधन में अब तक सफल रहे हैं। दूसरी आशंका जो व्यक्त की गई थी कि पंचायत चुनाव के बाद प्रदेश के अंदर तेजी के साथ कोविड के केसेज बढ़ेंगे। पंचायत चुनाव 29 को संपन्न हो चुका है, आज 8 मई है, 30 अप्रैल से लेकर के अब तक लगातार कोविड के केसेज में कमी आई है और हम लोगों ने 5 मई से एक विशेष अभियान भी प्रारंभ किया है। ये अभियान है प्रदेश के 97,000 राजस्व गांवों में हर परिवार और व्यक्ति का स्क्रीनिंग करना, हर लक्षण युक्त और संदिग्ध केस का एंटीजन टेस्ट कराना, उन तक मेडिकल किट उपलब्ध कराना, स्वच्छता सैनिटाइजेशन और फॉगिंग की कार्रवाई को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने की कार्रवाई करना। और ये कार्यक्रम हमारा प्रारंभ हो चुका है। प्रदेश के अंदर वर्तमान में 72,000 निगरानी समितियां, जिनमें 60,000 निगरानी समिति ग्रामीण क्षेत्र में और 12,000 निगरानी समितियां शहरी क्षेत्रों में, वर्तमान में प्रदेश के अंदर कोरोना के बारे में जागरूकता और वहां पर स्क्रीनिंग के इस कार्य के साथ जुड़ी हुई है। निगरानी समितियों को हम लोगों ने ये जिम्मेदारी भी दी है कि हर लक्षण युक्त व्यक्ति को, हर कोरोना पॉजिटिव के जिसमें लक्षण हो या फिर रिपोर्ट पॉजिटिव आने के पहले ही लक्षण युक्त व्यक्ति को या संदिग्ध व्यक्ति को मेडिकल किट भी उपलब्ध करवाना और उनकी सूची लेकर के जिले के अंदर इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर में उपलब्ध कराना, जिससे उन लोगों को वहां पर उचित चिकित्सीय सलाह दी जा सके टेली कंसल्टेशन के माध्यम से। ये कार्य और फिर आरआरटी को सूची उपलब्ध करा करके उन लोगों के कोविड टेस्ट एंटीजन जांच करने की व्यवस्था युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य करना, यह सभी कार्य प्रदेश के अंदर 5 से प्रारंभ हो चुका है और युद्ध स्तर पर चल रहा है। अगले 1 सप्ताह तक ये कार्यक्रम प्रदेश के अंदर सभी 97,000 राजस्व गांवों तक पहुंचने के लक्ष्य के साथ हम लोगों ने प्रारंभ किया है। ये एक महामारी है और महामारी में पहली जब वेव आई थी तो पहली वेव में प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन की जो कुल आपूर्ति थी उस आपूर्ति से कई ज्यादा वर्तमान में हम लोग ऑक्सीजन की आपूर्ति करवा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पहले ऑक्सीजन आपूर्ति के यहाँ पे ऑक्सीजन सेपरेटर यूनिट थे। हमारे पास प्रदेश के अंदर LMO लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, ये विभिन्न संस्थाओं के द्वारा एग्रीमेंट के आधार पर मंगाई जाती थी, लेकिन जब एक क्राइसिस हुई तो इसमें, क्योंकि पहले किसी हॉस्पिटल में हम लोग देखते थे कि अगर 500 बेड का हॉस्पिटल है तो उसमें 20-30 बेड का ICU होता था, बमुश्किल 30 से 35 लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती थी, लेकिन आज इसके ठीक विपरीत हो गया है। अगर 500 बेड का हॉस्पिटल है तो हर व्यक्ति को ऑक्सीजन की आवश्यकता है, उसमें वेंटिलेटर की भी ज़्यादातर को आवश्यकता है, HFNC जिसमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन लग रहा है उसकी आवश्यकता है। तो ऑक्सीजन की मांग कई गुना बढ़ने के कारण उसकी आपूर्ति उन सभी क्षेत्रों में करने के लिए हम लोगों ने कई प्लानिंग की,
और मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और भारत सरकार का, जिन्होंने ऑक्सीजन की आपूर्ति में हमें मदद की, जिसमें एयरफोर्स के जहाज के माध्यम से खाली टैंकर को यहाँ से उन स्थलों तक पहुँचाने में मदद करना, चाहे वह जमशेदपुर हो, चाहे जामनगर हो, चाहे बोकारो हो, उन सभी क्षेत्रों में पहुँचाने में योगदान देना और वहाँ से स्पेशल ऑक्सीजन ट्रेन चलाना। हम लोगों ने बरेली मुरादाबाद मंडल के लिए, जहाँ पे पहले आसानी से यहाँ की कम खपत के अनुरूप ऑक्सीजन की आपूर्ति काशीपुर से हो जाता था, हम लोगों ने उन क्षेत्रों से भी ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से अतिरिक्त ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य यहां पर किया है। यहां पे ऑक्सीजन के सिलेंडर भेजे गए हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजे गए हैं, जिनके लिए कोई अतिरिक्त आवश्यकता नहीं, केवल बिजली से वे चलेंगे, एटमोस्फियर से ही ऑक्सीजन को लेकर के वे ऑक्सीजन की आपूर्ति कर सकते हैं। इन सब की व्यवस्था भी यहाँ पर करने का कार्य युद्ध स्तर पर उस कार्यक्रम को भी यहाँ पर चलाया गया है। इसके अलावा ये भी प्रयास किया गया है कि हम लोग कोरोना प्रबंधन के लिए वर्तमान की चुनौती से जूझने के साथ साथ फ्यूचर की भी प्लानिंग कर सकें। हर एक जनपद को कहा गया है कि वह अभी से अपनी तैयारी करें। ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए हम लोग जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, शासन के सहयोग से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन के लिए एयर सेपरेटर यूनिट या प्लांट, ऑक्सीजन प्लांट, इन सभी के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी प्रधानमंत्री कोविड केयर फंड से उत्तर प्रदेश के लिए 61 नए ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत किए हैं। हम लोगों ने राज्य सरकार के मद से मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ की ओर से भी ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत किए गए हैं और इसके अलावा गन्ना विभाग ने भी CSR के मद से हर एक जनपद में एक ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कार्रवाई प्रारंभ की है, जिससे फ्यूचर की उन चुनौतियों से जूझने में और उन चुनौतियों का मुकाबला सफलतापूर्वक करने के लिए हम कार्य कर सकें। इस पर तो कार्य हो ही रहा है, लेकिन साथ साथ बेड्स की संख्या भी बढ़े, टेस्टिंग की क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा, इसके लिए हम लोगों ने प्लानिंग की है और ये भी व्यवस्था प्रारंभ की है कि हर एक व्यक्ति को सुरक्षा कवच दे सके। वैक्सीनेशन उसका एक बहुत प्रमुख आधार है, वैक्सीनेशन के लिए भी एक विशेष अभियान चलाने की कार्रवाई प्रदेश के अंदर हम लोगों ने प्रारंभ की और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश में अब तक 1,35,00,000 से अधिक लोगों को हम लोग वैक्सीनेशन, 45+ लोगों को, 1,45,00,000 लोगों को ये वैक्सीन दे चुके हैं और 18 से 44 के बीच में 1,00,000 से अधिक लोगों को हमने वैक्सीन दिया है, जिसमें बरेली भी पहले चरण में आच्छादित है। सोमवार से हम लोग 18+ की वालों को जो वैक्सीन देना है 18 से 44 के बीच में, इसके लिए अब 7 से बढ़ा करके इस संख्या हम 18 जनपदों में करने जा रहे हैं। हर नगर निगम में और गौतम बुद्ध नगर जनपद में हम लोग सोमवार से वैक्सीनेशन के एक बृहद कार्यक्रम को भी आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा फोकस है कि वैक्सीनेशन में वैक्सीन की वेस्टेज को कम से कम किया जाए और वैक्सीन की वेस्टेज को कम करने के लिए पहले से प्लानिंग करना, उस प्रकार का सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की जा रही है, उतने ही लोगों को कंफर्म करके बुलाना जितने लोगों को उस दिन वैक्सीन दिया जा सके और वेस्टेज को न्यूनतम स्तर तक पहुंचाने, जिससे हर एक व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंच सके, इस कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने का कार्य प्रदेश के अंदर युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। प्रदेश के अंदर कोरोना प्रबंधन के इस कार्य में सेकेंड वेव को सफलतापूर्वक रोकने के लिए भी जो व्यापक कार्य योजना बनी है, भारत सरकार का मार्गदर्शन इसमें निरंतर प्राप्त हो रहा है, हर प्रकार का सहयोग प्राप्त हो रहा है। हम लोगों का पूरा विश्वास है कि जनता जनार्दन और सभी लोगों के सहयोग से, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से हमारी प्रशासनिक मशीनरी सेकेंड वेव पर भी प्रभावी अंकुश लगाने और प्रत्येक नागरिक को हम लोग इस महामारी से बचाने में सफल होंगे,
मेरी आप सबसे भी अपील है कि स्वयं का बचाव करते हुए कोरोना के प्रति व्यापक जागरूकता का हम कार्यक्रम जरूर चलाएं। खासतौर पर प्रत्येक व्यक्ति से अपील हो कि अगर आवश्यक नहीं तो घर से बाहर न निकलें। दूसरा, हाई रिस्क कैटेगरी को, 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को, 10 वर्ष से कम के बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को, कमजोर इम्यूनिटी के लोगों को, एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित किसी भी व्यक्ति को, जो लोग घर से बाहर किसी को निकलना आवश्यक है तो मास्क लगा करके चलें और 2 गज की दूरी का पालन करें। किसी वस्तु को छूते हैं तो सैनिटाइजर से हाथ को साफ जरूर करें। अगर इन नियमों का पालन हर व्यक्ति करे और शासन के द्वारा जो कोविड प्रोटोकॉल लागू किया गया है इसका पालन करेगा तो निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। लोगों में काफ़ी अवेयरनेस आया है। मैंने आज स्वयं भी मुरादाबाद मंडल में मुरादाबाद विकासखंड के एक गांव का विजिट किया था। होम आइसोलेशन में जुड़े हुए लोगों से मैं वहां पर देखने के लिए गया था, उन्हें मेडिकल किट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। वहां पर मेडिकल किट उपलब्ध हुआ था और ये कार्यक्रम हमारा युद्ध स्तर पर चल रहा है। निगरानी समितियां, RRT और भी अन्य संस्थाएं इसमें मिलकर के इसको सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है और मुझे विश्वास है कि हम लोग सफलतापूर्वक इन कार्यक्रमों को आप सभी के सहयोग से इस सेकेंड वेव को भी रोकने और हर एक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करने में सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।